हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीयूष, आपने फिर से एक नई वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। सिंपली आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर टाइप कर देना माइक्रोसॉफ्ट और आपको सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आप देखते हैं www.microsoft.com आपकी ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की। तो आपको उसे ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप इसमें एज इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे इसते हैं, यहाँ पर आपको साइन इन करने का एक आइकन दिखेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिकेंगे तो यहाँ पर देखते हैं एज इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी अकाउंट नहीं है तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्रिएट वन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्रिएट वन पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें एज इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप मोबाइल नंबर से क्रिएट करना चाहते हैं या अपनी जीमेल से क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं जीमेल से क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको जीमेल एड्रेस टाइप कर देना। अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो यहाँ आपको यूजर मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं जीमेल से करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं जीमेल टाइप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जीमेल टाइप कर दिया। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो आप इसने क्रिएट पासवर्ड आ गया। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर देना है, तो पासवर्ड मैं क्रिएट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया। अगर आपको पासवर्ड देखना है तो सो पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड देख सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्हाट्स योर नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीयूष और लास्ट नेम लिख देना से। और आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी कंट्री सेलेक्ट हुआ इंडिया, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं तो आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपनी। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। सिंपली यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वेरीफाई जीमेल आ जाएगा। अब आपकी जीमेल पे एक ओटीपी गया होगा, यहाँ पे मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ अपनी। देखते हैं, आपको वही जीमेल ओपन करना है जो भी जीमेल आपने एंटर की है थी। यहाँ पे देखते हैं, आपको शो कर जाएगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इस जीमेल पे एड्रेस पे एक ओटीपी गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं वेरीफाई योर जीमेल एड्रेस। और यहाँ पे देखते हैं, ये है 1994। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 1994। तो यहाँ पे देखते हैं ओटीपी टाइप करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको कुछ पजल सॉल्व करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसमें पिक अ फ्रॉग, अब यहाँ पे आपको देख लेना है मेढक कहाँ है। तो यहाँ पे मेढक है, तो मैंने क्लिक कर दिया। इससे ये पता चलता है कि आप रोबोट नहीं है, एक ह्यूमन है, व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे ये रोबोट होता है सिस्टम। अब यहाँ पे इसमें ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कुकीज डिटेक्ट करके आपकी ऑटोमेटिक जीमेल को साइन इन कर लेगा। अगर आप चाहते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखूं तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड और जीमेल एंटर करना पड़े, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देना। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ओपन करूँ तो ऑटोमेटिक मेरा अकाउंट है वो साइन इन हो जाए। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो बन गया पीयूष सिंह के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जीमेल एड्रेस देखने को मिल जाएगा। बस इसी तरीके से आप अपने अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से भी कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन पूछना तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे प्रश्न इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन।